राजधानी रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह का आईडी हमले में दो आईटीबीपी जवानों की जान जाने पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया है और हमें काफी सफलता मिल रही है क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली खत्म हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वहीं विधानसभा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जनता बड़ी संख्या में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देगी। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। आइए, लगातार दबाव बना है नक्सलियों के ऊपर और जिस प्रकार संयुक्त अभियान चला है सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी फोर्स को मिलके, तो संयुक्त अभियान का रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहा है और 38-38 नक्सली को एक दिन में सफाया किया गया और लगातार एक साल में करीब करीब 190-190 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये अपने आप में सरकार की मंशा और अमित शाह जी का निश्चय बताता है कि आने वाले एक साल के अंदर नक्सलवाद पे पूर्ण विराम लगेगा।